आप सभी का स्वागत है सनवरी न्यूज़ पर। तो आज हम मौजूद हैं विजयनगर सर्कल पे गांधी ग्राम में। तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ बहुत ही खुशखबरी जो है हमारे राज्य और हमारे देश के लिए, जो है यहाँ पे विजयनगर रोड बहुत पहले से जो पेंडिंग पड़ा हुआ था आज जो है फाइनली कंप्लीट हो चुका है। तो बहुत खुशी की बात है। यहाँ के जितने भी राज्य हैं और यहाँ के जितने भी निवासी हैं उन सभी से मिलने की कोशिश करेंगे। और मैं बता दूँ यहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स हैं और डीसी सर सनी के सिंह भी उपस्थित रहेंगे और यहाँ के जितने भी ऑफिसर्स उन सब का विजिट यहाँ पे देखा जा सकता है। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ यहाँ के जो 157 किलोमीटर जो है यहाँ पे बन चुका है और लास्ट तक जो है हम लोग जा सकते। तो इसी खबरों के साथ जुड़े रहिए ईस्टर्न टुडे न्यूज़ नौचालांग चीन साथ। तो आइए जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के जो निवासी हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो है उनका क्या कहना है। आज बहुत खुशी है कि हमारा यहाँ गांधी ग्राम में भी ऐसा न्यूज़ ईस्टर्न न्यूज़ से यहाँ आया है, इसलिए हम लोग बहुत खुशी है। और इस समय में तो यहाँ MV Road भी हो रहा है, इसलिए हम यहाँ जितना भी पब्लिक है गांधी ग्राम में रहने वाला, पहले में तो पैदल ही चलता था, 5 दिन में ही मियाँ निकलता था। आज का दिन में बोलने से तो एक ही दिन में गाड़ी से निकल जा रहा है, इसलिए बहुत खुशी है। और आज हम लोग यहाँ में उपस्थित है कि हमारा DC चंगलंग भी यहाँ आ रहा है बोल के, इसलिए अभी उसी के लिए ही इंतज़ार में हूँ। अच्छा अच्छा, तो जैसे पहले आप लोग किस तरह का प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ता था? पहले में तो इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था कि यहाँ में कोई बीमार होने से समय में मेडिकल नहीं पहुँचा सकता है, इसलिए अगर जो जीना है भी वो भी मर जाता था मेडिकल एड नहीं होने से कारण। इसलिए जितना भी हम लोग यहाँ में प्रॉब्लम बोलने से तो सब चीज़ हेड लोड में ही आता था। तो नमक 1 kg यहाँ में पहुँचते 150 में बीतता था। तो इतना प्रॉब्लम हो कि हम लोग यहाँ में जी रहा था, लेकिन गवर्नमेंट का तरफ से आस्ते आस्ते मदद करके आज का दिन में बोलने से तो बहुत बहुत आगे बढ़ रहा है। इसलिए हमारा जितना भी गवर्नमेंट अरुणाचल का गवर्नमेंट है सभी को भी बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ यहाँ से। आपका स्वागत है सर ईस्टर्न न्यूज़ पर। तो जिस तरह से आपने इंस्पेक्शन के लिए आया यहाँ पे, आपने आपका क्या क्या नोटिस किया है, ऑब्जर्वेशन में क्या किया था? देखिए, सबसे हमारे यहाँ पे 3 एजेंडा था आने का। सबसे पहला रोड का इंस्पेक्शन। तो रोड में अभी अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम जो हमारा कॉम्पोनेंट है वो हो चुका है। कुछ डैमेजेज हुए हैं जो मानसून सीज़न में, वो डैमेजेज इस टाइम पे अभी रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। इसके अलावा ब्रिजेज हो गए हैं, ब्लैक टॉप का काम हमारा अभी फ़िलहाल 8 से 10 दिन में, जैसा कि हमारे एग्जीक्यूटिव एजेंसी और कॉन्ट्रैक्टर ने इंश्योर किया कि 8 से 10 दिन में हम लोग ब्लैक टॉप का काम भी स्टार्ट कर देंगे और आगे आने वाले अक्टूबर महीना के आखिरी तक ये एक वो लेके चल रहे हैं टारगेट कि इसमें इस ब्लैक टॉप के काम को पूरा ख़त्म कर देंगे। तो जिस तरह सर ब्लैक टॉप के काम जो एक्सटेंड किया गया था, तो अभी का कंडीशन देख के नहीं लगता है कि ब्लैक टॉपिंग का काम अभी शुरू हो सकता है? हाँ, अभी अभी देखिए, जो ब्लैक टॉप करना होता है उसके लिए हॉट मिक्स मशीन चाहिए होता है, तो वो मशीन ऑलरेडी यहाँ पहुँच गई है। पहुँचने के बाद से उसको हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। इंस्टॉल करने से 2-4 दिन 5 दिन के अंदर में जैसे वो इंस्टॉल हो जाता है, क्योंकि उसके लिए फाउंडेशन बनाना पड़ता है, वो बन जाएगा, मशीन इंस्टॉल हो जाएगा, उसके तुरंत बाद ब्लैकटॉप का काम शुरू हो जाएगा। और सर विजयनगर का जैसे कि 1965 से जो स्कूल यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, उसको लेके इम्प्रूवमेंट के बारे में आप क्या कहना? देखिए, स्कूल को लेके बिल्डिंग का इम्प्रूवमेंट की अगर बात करते हैं तो वो भी यहाँ पे नया बिल्डिंग हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर जो थे, उन्होंने जो अपनी उनके प्रीवियस विजिट में नया बिल्डिंग सैंक्शन किया, और सैंक्शन करने के बाद से अभी हम लोग उसका काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आने वाले मार्च तक हम लोग इस काम को, या मतलब मानसून के पहले पहले ही इस काम को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ताकि नए बिल्डिंग में बच्चे पढ़ने लगे। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा हमारे जो टीचर्स हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग, टीचर्स का रिफ्रेशर कोर्स, इसके अलावा हम 2 NGO को इसमें
अपने साथ एंगेज कर रहे हैं, एक प्रथम फाउंडेशन और एक अध्ययन फाउंडेशन। तो प्रथम और अध्ययन फाउंडेशन जो भी हमारा फंक्शनल एंड फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी जो पहली से पाँचवीं क्लास के बच्चे हैं उसके ऊपर काम करेंगे, और आगे आने वाले एक साल में हम लोग अपने जितने भी बच्चे हैं सिर्फ विजयनगर सर्कल के नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट के, उन लोगों को हम लोग फंक्शनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी में परिपक्व करेंगे। और सर हम ये जानना चाहेंगे, अभी जो रिसेंटली आपने जिसने जिस तरह से यहाँ पे वादे किया, एश्योरेंस दिया कि नेटवर्क कनेक्टिविटी आ जाएंगे, तो नेटवर्क कनेक्टिविटी आने से पहले यहाँ पे नाम दफा क्रॉस करना पड़ता है सर, तो रेडिएशन का प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, तो उस विषय में आपके? देखिए, इसके लिए हम लोगों का अप्रूवल लेना होगा, नामदफा नेशनल पार्क की जो भी अथॉरिटी है उनसे अप्रूवल लेना होता है, उसके लिए एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अगर वो अप्रूवल मिलेगा तभी हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे, नहीं मिलेगा तो इसके फिर कुछ और टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशंस लेके आएंगे, बट नेटवर्क तो यहाँ पर आएगा। और सर ये जानने की कोशिश करेंगे, अभी जो रोड जो 157 किलोमीटर हो चुका है, तो स्टार्टिंग पॉइंट में जैसे कि पुलिस का जो चेक गेट नहीं रहा और सिर्फ ये फॉरेस्ट गेट की तरफ से, तो उसमें बहुत सारा चीज़ जो है यहाँ पे मुझे कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, तो उस विषय में किस तरह से यहाँ का सुविधा दिया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ? देखिए, ये जो रोड है जहाँ स्टार्टिंग आप बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट का चेक गेट है, उस चेक गेट पर अभी हम लोग चेकिंग करना स्टार्ट करेंगे, खास करके क्योंकि यहाँ पे ड्रग्स आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेज यहाँ लोग लेके आ जाते हैं और उससे हमारा फिर समाज पूरा ख़राब हो रहा है, तो हम लोग वहाँ फॉरेस्ट चेक गेट पे पुलिस को भी बैठाने की कोशिश करेंगे, वरना पुलिस नहीं तो फॉरेस्ट के लोग ही, इस गाड़ी अगर आता है, कोई आदमी आता है, कोई भी सस्पेक्टेड पर्सन है, उनका हम लोग वहाँ पे चेकिंग करेंगे, इंश्योर करेंगे कि आगे आने के पहले वहीं पे हम लोग जो भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस है उसको पकड़ लें और वो हमारे गांधीग्राम विजयनगर तक ना पहुँचे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, गांधीग्राम में भी हम लोग पुलिस का एक आउटपोस्ट लाने के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने एसपी साहब को रिक्वेस्ट किया है, एसपी साहब अपने हायर अप से बात कर रहे हैं, जैसे वो मटेरियलाइज होगा यहाँ पे भी हम पुलिस का प्रेजेंस इंश्योर करेंगे। तो आखिरी सवाल रहेगा सर, जैसे कि अभी यहाँ पे टूरिज्म लोग का बहुत ही एक्सप्लोजन होने वाला है ऐसा लगता है, यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी को लेके, यहाँ पे जिस तरह से नज़ारा जो है, यहाँ पे सीनरी जो है, सुंदरता को लेके यहाँ पे टूरिस्ट का जो है एक्सप्लोजन होने वाला, तो जो नामदफा क्रॉस करके आएगा तो टूरिस्ट लोग को आप क्या, आपके तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, टूरिस्ट का जो एक्सप्लोजन है वो कभी भी इस तरीके से एक्सप्लोजन नहीं होगा, हम लोग हमेशा रेगुलेटेड टूरिज्म यहाँ पे कराएंगे और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। उसको चेक कैसे करना है, क्योंकि नामदफा में एंट्री करने के लिए आपको पास लेना पड़ेगा, तो उसके तहत हम लोग इस चीज़ को चेक करेंगे, एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 आदमी को ही हम एंटर करने देंगे, जब वो बाहर जाएगा फिर अगला आदमी एंटर करेगा, तो इस तरीके से रिस्पॉन्सिबली हम लोग इस चीज़ को, टूरिज्म को रेगुलेट करेंगे। और दूसरा, जो भी टूरिस्ट आएगा उसको हम लोग नामदफा गेट पे ही ब्रीफ करेंगे कि आप इको सेंसिटिव जोन में जा रहे हैं, बहुत सुंदर जगह जा रहे हैं, वहाँ के एरिया को आपको ख़राब नहीं करना है। दूसरा चीज़, प्लास्टिक ये सारी चीज़ जो भी वो लेके आएगा उसको हम लोग वहाँ रजिस्टर में एंट्री करेंगे, वापस जाते टाइम उसको खाली बॉटल वहाँ पे देके जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे मेजर्स लेंगे, अभी तो शुरुआत है, जैसे जैसे टूरिज्म फ्लो होगा, बढ़ेगा, उसके साथ साथ हम लोग अलग अलग रेगुलेटरी मैकेनिज्म डिवाइस करेंगे। तो सर हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूवर्स को और जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारा जो खास करके विजयनगर सर्कल इतना सुंदर सर्कल है, इसमें जो आजकल नए सिरे से हमको देखने को मिल रहा है कि ड्रग का प्रेजेंस बढ़ रहा है, ड्रग से दूर रहना है, हमारे जो यूथ्स हैं उनको भी यही संदेश है, जो लोग हैं उनको भी यही संदेश है कि एज ए सोसाइटी हमको इस मेहनत से फाइट करना है पहला, और दूसरा हमारा जो एजुकेशन सिस्टम इस टाइम पे अच्छा नहीं है, जितना स्टैंडर्ड होना चाहिए उतना स्टैंडर्ड नहीं है, सब स्टैंडर्ड है, वो हमारा पूरा समाज मिल के, हमारा डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल सोसाइटी और बच्चा और उसका पेरेंट, हम सब लोग मिल के कोशिश करना है कि हम लोग अपना डिस्ट्रिक्ट को सबसे पहला कि ये लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट का जो टैग है उससे मुक्त करना है और नए ऊंचाइयों तक लेके जाना है, जहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट सिर्फ अरुणाचल में नहीं पूरे इंडिया में वन ऑफ द टॉप डिस्ट्रिक्ट के कैटेगरी में आए इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। ओके, थैंक यू सर।